देखिए सवद्दी कला गांव पिछले दिनों सुर्खियों में रहा है। कुलजीत सिंह नामक युवक की नशे के कारण, ओवरडोज के कारण मौत हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो उससे सारे मीडिया वर्ग में और सोशल मीडिया के ऊपर सवद्दी कला गांव और गांव के लोगों ने अपना बड़ा प्रोएक्टिव, पुलिस डिस्ट्रिक्ट जगराओं के साथ मिलके इस केस को हमने एज अ टेस्ट केस लिया है और इसकी जो चेन इन्वेस्टिगेशन किया है, चेन इन्वेस्टिगेशन से जिस कुलजीत सिंह ने जहां से ख़रीदा इमीडिएटली नशा जो रेडीली गांव में अवेलेबल था वो पुष्पिंदर और गुरप्रीत सिंह से ख़रीदा। पुलिस ने हिम्मत करके और लोगों की उससे हेल्प से जो इन दोनों को, पुष्पिंदर और गुरप्रीत को काबू किया और उनसे जब तहकीकत की आगे सेकंड स्टेज में आगे गए तो उन्होंने बताया कि हरप्रीत अलियस गुलजारी है मलक गांव का, जहां से वो खरीद के लाए हैं। जब उनको पुलिस ने काबू किया, उसी सस्टेंड इंटरोगेशन से अगली स्टेज पे गए तो उसके दो नाम आ गए, सुशील और सुनील, जो कि तहकीकात के पता लगा कि मंडौरी गाँव है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। तो पुलिस पार्टीज़ ने वहाँ पर जाके रेड किया, पता किया तो पता लगा कि ये जो पंजाब ही आए हुए हैं और यहाँ पर CIA के रिकॉर्ड और दूसरे खंगालने के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से पता लगा कि ऑलरेडी दो पर्चे इन लोगों के ऊपर इस इलाके में दर्ज हैं। और इससे फर्दर पता करके जब सुशील और सुनील को काबू किया गया है, सुशील और सुनील मेन सप्लायर हैं इस एरिया में तो, और हरियाणा से आके करते हैं, इन दोनों की निशानदेही पे 515 ग्राम जो लगभग 2,60,65 लाख की वैल्यू की हीरोइन, अच्छी ग्रेड की हीरोइन बनती है, उसको इनसे रिकवर किया गया है। और इस रिकवरी से हम अभी तक इस यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनको कहाँ से ये जो मेन सप्लाई है, देखिए कमर्शियल 250 ग्राम से ऊपर कमर्शियल सप्लाई हो जाती है, तो अभी हरियाणा में से आके यहाँ कर रहे हैं और इनको कहाँ से आ रही है उसकी अभी पुलिस सरगर्मी से तहकीकात कर रही है। और इसके साथ साथ जहाँ ये जागरूकता आई है सवद्दी गांव के लोगों ने और सारे पंजाब में लोग हेल्प कर रहे हैं, तो इसी गांव में एक मलकीत सिंह नामक पीछे ही एक महीने से आके रहने लगा है। जब उसका देखा, उसके ऊपर पुराने दो पर्चे दर्ज थे, उन दो पर्चों के पीछे उसको जब नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्वेश्चन किया है तो दो ट्रैक्टर्स, दो कारें और दो मोटरसाइकिल्स रिकवर किए हैं, जिनका वो बोल रहे हैं कि मैं तो दिहाड़ी करता हूं, तो उनको भी अटैच करेंगे, किया जा रहा है, प्रोसेस तैयार है। जो पकड़ा गया नशा, ये इसको मिक्स भी करते थे ये लोग, इसको आगे फर्दर काफ़ी डेथ हुई है, इसको फर्दर डाइल्यूट करके या और करके करते थे वो सारा पता कर रहे हैं। पर अभी तक तो जो हमारी अभी इस केस की तहकीकात है उसमें बड़ा क्लियर आया है कि काफ़ी हाई ग्रेड की ये हीरोइन है और ये हाई ग्रेड नशा ही था। और जो कुलजीत, देखिए हाई ग्रेड हीरोइन तो बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान से ही चलती है, हमारे बॉर्डर से ही आती है, मतलब बियॉन्ड दी बॉर्डर से इन देशों से ही चलती है। और फर्दर उसकी आगे आप हर रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। कितने लोग अरेस्ट कर लिए अभी तक? 10 लोग, 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ पिछले 24 घंटे में 9 पर्चे NDPS के जिला ने दिए हैं, 2 kg अफीम भी पकड़ी है और भी स्मगलर्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जगराओ ने पूरा अपना अभियान छेड़ा हुआ। अब लोग आगे आ गए हैं पुलिस के सहयोग, हमें इसी बात की तसल्ली है कि जो कुलजीत सिंह नामक युवक पिछले दिनों अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नशे से की डोज से गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो उसकी जो बेवक्त जाना था उससे एक जहाँ सवद्दी गांव में वहाँ सारे पंजाब में जागरूकता आई है और उस जागरूकता के बदौलत लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। और पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी तो पहले भी थी, पंजाब सरकार जब से ये सरकार बनी है, मौजूदा CM साहब का ने STF बनाई, बड़ा कुछ किया, बहुत काम हुआ है, पर अब लोगों का समर्थन आया तो लोगों के समर्थन से चेंज आनी जरूरी है।